किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ द्वारा आज जिले के सभी तहसील मुख्यालयों पर प्रदर्शन के बाद ज्ञापन सौंपे गए। इस दौरान किसानों की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराते हुए मध्य प्रदेश में अनाधिकृत बीजों के खिलाफ व बीज किसान का अधिकार है के नाम से संसद में बिल लाए जाने की मांग जैसी बातें ज्ञापन में लिखी गई हैं। किसानों की कर्ज माफी नहीं होने से डिफाल्टर हो जाने और खाद बीज की समस्या का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की गई है। किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, कमलनाथ सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, वादा किया है वादा निभाओ। अभी बहुत सारे किसानों ने हमारे तहसील अध्यक्ष जी को फोन करके बताया कि भैया हम तो हर महीने बिल भर रहे हैं, 200 रुपए 400 रुपए जितना भी आता है सब भरते हैं, लेकिन अभी 4 दिन पहले ही उसको एक किसान को 30,000 रुपए का बिजली का बिल थमा दिया। आप सोच सकते हैं कि जो आदमी बिल भर रहा है और उसको अचानक से 30,000 का बिल मिल जाए तो उसका पूरा परिवार कितना मानसिक तनाव में जाता है। किसान के पास वैसे ही पैसा नहीं रहता, फिर बिजली विभाग यहाँ नोटिस भेज रहा है कि यदि आपने बिल जमा नहीं किए तो आपके कनेक्शन काट देंगे। दूसरी तरफ बिजली विभाग की एक लापरवाही और सामने आई है। अभी बनवार का ही आज पेपर में छपा है कि उन्होंने वहाँ का बिजली का ट्रांसफार्मर खराब हुआ। 14 दिनों से वहाँ के बिजली विभाग ने वो ट्रांसफार्मर लेकर के आए, लेकिन 14 दिन से ज़्यादा हो गया अभी तक ट्रांसफार्मर रखा नहीं है। बरसात का मौसम में यदि लाइट नहीं रहती है तो गांव में कैसे सांप कीड़े जहरीले नाक तक निकलते हैं, उन सब का कहीं ना कहीं भुगतना तो किसान को ही पड़ता है, लेकिन बिजली विभाग यहाँ दमोह जिले का इतना निष्क्रिय पड़ा हुआ है, इतना संवेदनहीन पड़ा हुआ है कि उनको इन सारी बातों से कोई लेना देना नहीं है। अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा था कि किसान जगह जगह लुटता है, आप पूरे दमोह जिले में नहीं पूरे मध्य प्रदेश में जाकर के देखिए किसान को कई प्रकारों से लूटा जा रहा है। किसान छोटा सा भी काम करने जाता है तो काम के पहले ही अधिकारी उससे कहते हैं कभी दान दक्षिणा दे दो। एक तो सरकार ने वैसे ट्रांसफार्मर तो बदल नहीं रहे लेकिन ट्रांसफर उद्योगों से पैसा कमा रहे हैं। आप सब देख रहे होंगे हर विभाग का ट्रांसफर हो रहा है, नई नई लिस्ट रोज आ रही है, सरकार उनसे पैसा लेकर के फिर ट्रांसफर स्थगित कर रही है। लेकिन यदि किसानों ने कहा कि ट्रांसफार्मर बदल दो भैया तो ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहा है, ट्रांसफर से पैसा जरूर कमाया जा रहा है। पूरी कमलनाथ सरकार इस उद्योग में सम्मिलित है। मैं ये जानता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले की एक अलग अलग समस्या है। We'll be right back.